sweeping me. ये वृक्ष तो पहले ही मर चुका है। लोग अक्सर अपनी मौत को आता देख अपनी सांसें गिनने लगते हैं। तुम ये पेड़ क्यों गिन रही हो तिमनासा? मैं यहाँ पेड़ गिन नहीं रही हूँ, बल्कि एक पेड़ को ढूंढ रही हूँ। और जैसे ही वो पेड़ मुझे मिलेगा, तो समझ लेना विवान की जान मेरी मुट्ठी में है। इस नन्हे से पेड़ में ऐसी क्या खास बात है तिमनासा? कि जितने पेड़ देख रहे हो ना तुम भैमार, ये सारे पेड़ श्वेत लोक के प्राणियों के आत्मवृक्ष हैं। और इस पेड़ की खासियत ये है कि इस पर विवान का कुल चिन्ह बना हुआ है, यानी कि विवान का आत्मवृक्ष है। लेकिन तुम विवान के आत्मवृक्ष का करोगी क्या? जिस तरह रावण के प्राण उसकी नाभि में बसते थे, उसी तरह इस पेड़ के अंदर विवान की आत्मा बसती है। और अगर मुझे पहले पता होता कि विवान ही छुपी हुई शक्ति है, तो मैं इस पेड़ को... अभी देर नहीं हुई है तिमनासा, अभी इसे चढ़ से उखाड़ देता हूं। भैमार! इस पेड़ को काटने से ज्यादा इसे जिंदा रखना जरूरी है। तुम्हारा दिमाग खराब है तिमनासा? अगर विवान जिंदा रहा तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मौत उसके हाथों लिखी है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारा नहीं जाता। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि मैं विवान के इस आत्मवृक्ष के साथ वही करूंगी जो मैंने सर्वकाल के साथ किया था। अब इस वृक्ष हीरक का इस्तेमाल करके विवान को अपना गुलाम बनाऊंगी और फिर उसकी सारी शक्तियां मेरी होंगी। अब बस इंतजार है तौबा तौबा के संदेशे का। जैसे ही वो संदेश भेजेगा, मैं अपना काम शुरू कर दूंगी। क्या है ये? सत्यानाश हो भैरानी का, बार बार मुझे बच्चा बनाकर ये बच्चों के तंग कपड़े पहनाकर भेज देती यहाँ पर, जैसे जैसे मेरा कोई आत्मसम्मान ही नहीं है। विवान, सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में तुम्हारी सगी बहन। सच यही है विवान कि देवकी जी ही तुम्हें जन्म देने वाली माँ है। अरे विवान, अगर इसने मुझे देख लिया तो बैट हारने की वजह से पार्टी देनी पड़ेगी। चिंटू निकल ले। ये चिंटू छुप छुप के कहाँ जा रहा है? जरा देखना पड़ेगा। हाय चिंटू। बाय रिंकू। अरे अकेले अकेले हाइडन से खेल रहे हो? डोंट यू नो हाइडेंसी खेलने के लिए एटलीस्ट दो लोगों की जरूरत होती है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए रेडी हूँ। आंखों की पुतलियाँ फैली हुई, फेस का रंग उड़ा हुआ, और हकला हकला के बात करना, ये सारे सिम्टम्स तब होते हैं जब कोई नर्वस होता है। ये देख, साइकोलॉजी के पेज नंबर 101 पे लिखा हुआ है। मैं क्यों नर्वस होऊंगा भला? क्योंकि तुम टेस्ट में फेल हो चुके हो और शर्म भी आ चुके हो, इसलिए तुम हमें पार्टी नहीं देना चाहते और बहाने बना रहे हो। मैं क्यों बहाने बनाऊंगा यार रिंगू? देखो साइकोलॉजी के पेज 111 में यही लिखा है,
कि जब कोई इंसान नर्वस होता है ना तो वो बहाने बनाता है। अरे नहीं यार रिंकू, वो ना एक्चुअली मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम वैसे पार्टी में क्या क्या खाना पसंद करोगे? ये ले। और नहीं तो क्या, मेरे घर में ना पार्टी का शेफ बैठा है, तुम उसको जाकर अपने खाने की फेवरेट डिश बता दो। ठीक है, जाओ 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 जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम जिंटू? तुम पार्टी देने से नहीं बच सकते। अरे नहीं नहीं खुशी, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। वो क्या है ना, पार्टी का शेफ मेरे घर में बैठा है, तुम उसको जाकर अपनी फेवरेट डिश लिखवा दो। ठीक है खुशी, पार्टी का शेफ मैं नहीं हूँ, पार्टी का शेफ अंदर है। ये घिसी पिटी ट्रिक ना तुम अपने एग्जाम में चीटिंग करने के लिए बचा के रखो, क्योंकि मैं तुम्हें बिना पार्टी दिए कहीं नहीं भागने दूंगी। चीटर, वहाँ तो कोई नहीं है। अरे वान, देखना चिंटू चीटिंग कर रहा है। आंखें झुकी हुई, बॉडी ढीली सी और फेस पर शाइन नहीं। साइकोलॉजी के हिसाब से विवान साइलेंट मोड पर चला गया है, पर कया कहाँ है? वो जा गया है ना, तुम दोनों भी वहीं चले जाओ। अरे चिंटू रुक रुक। अरे लॉजिकली सोच, अगर उसे रुकना ही हो तो तू भागता क्यों? अरे साइकोलॉजी बाद में समझाना, अभी चल के चिंटू को रोक। ये चिंटू चीटिंग कर रहा है? कभी विवान का ध्यान इसकी तरफ नहीं है, इसका दिल तो दुख में ऐसे डूब रहा है जैसे समुद्र में कागज की नाव। मैं अभी जाकर भैरानी को बता कर आता हूँ कि समुद्र में तूफान लाने का सही समय आ चुका है। चल तुबा, चल। You are not getting it, नकापोश। टीम शाडो का एक मेंबर खुद ही सैडनेस की शाडो में चला गया है। मैं अपने भाई को ऐसे मोमेंट पे अकेला नहीं छोड़ सकती, हमें उससे बात करनी होगी। I also know अनन्या, but विवान को अभी अभी एक बहुत बड़ा सच पता चला है, अभी उसे टाइम की जरूरत है। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। You know what? मेरे पास एक आइडिया है, हमें डब्बू को कॉल करना चाहिए। विवान डब्बू की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, वो उसकी बात जरूर मानेगा। वो अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मतलब बिजी होगा। ऐसे किस काम में बिजी होगा वो डॉक्टर? रुको मैं कॉल करती हूँ उसे। डब्बू तुम जहाँ भी हो अभी के अभी मुझसे मिलने आओ। किंतु परंतु लेकिन बट मैं कीप योर माउथ शट एंड कम हियर फटाफट राइट नाउ। होपफुली अब डब्बू ही विवान को इस सिचुएशन से बाहर निकाले। अनन्या, तुमने इतना हरी में क्यों बुलाया मुझे? तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? अब वो नकाबपोश दोस्त मुझे खींच कर ले आया स्पीड पोस्ट की तरह। बट वो खुद कहाँ डिसअपीयर हो गया? यहीं पर है। अरे हाँ नकाबपोश, पहले मुझे अनन्या का मूड तो पता चले। अरे हाँ मूड तो पता चले फिर जाऊँ ना। अरे हाँ पता है मुझे, मूड पता चले फिर जाऊँ मैं उसके पास। अरे नकाबपोश, अरे बोला मैं। प्लीज अनन्या, तुम जल्दी देवू के साथ अपने सारे डिफरेंसेस सॉल्व करो, बेचारा डर रहा है तुम्हारे सामने आने से। ऐसे कैसे डर रहा है? वो नहीं आएगा तो मैं आ जाऊंगी। अरे नकाबपोश, ऐसे धक्का तो मत मारो, चश्मा टूट जाता अभी मेरा। बोलो। लिसन डब्बू, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। विवान इस टाइम बहुत ज्यादा इमोशनल पेन में है और तुम तो उसके प्यारे देवू भैया हो ना, इसलिए तुम ही उसका मूड अच्छा कर सकते हो। हाँ नकाबपोश ने मुझे सब कुछ बता दिया, अब मैं विवान से ही मिलने जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे पीछे मत आना। पीछे मत आना। पीछे नहीं आऊंगी, कैसे पीछे नहीं आऊंगी? अरे रुको देवू, देवू रुको। लो चला गया ना देवू। वो कौन होता है तो तुम ऑन होते हो, तुम ऑन होते हो तो वो कौन होता है? सीन क्या है? कोई सीन नहीं है, ये ऑनर ऑफ छोड़ो,
और बस देवो पर विश्वास रखो कि वो विवान को मना ले। मुझे इस चिंटू को पार्टी देने के लिए मनाना पड़ेगा, तभी मैं अपनी चाल चल पाऊंगी। विवान और उसकी पलटन से कब तक छुपते फिरोगे चिंटू? मैं क्यों छुपूंगा विवान से? क्योंकि वो लोग तुमसे पार्टी मांग रहे ना। चिंटू पार्टी देता नहीं है, चिंटू पार्टी लेता है। और वैसे तुम दोनों कौन हो? मैं चिंटी की फ्रेंड हूँ। जब से चिंटी तुम्हारे मामा जी के घर गई है, तुम कितने अकेले हो गए हो, है ना? हाँ हाँ, कितने अकेले हो गए वो। इसीलिए हम तुम्हारी हेल्प करने आए। हाँ, हेल्प। मेरी हेल्प से पहले ये छोटू की हेल्प करो। ऐसा लगता है इस छोटू को किसी ने खाना नहीं दिया है। छोटू किसको बोला, मोटू? हेल्प करने आए हैं हम, हेल्प करने। हाँ, हेल्प हेल्प हेल्प। वैसे मेरे पास एक मेडिसिन है जिसे अगर विवान और उसकी पलटन के जूस में मिला दिया जाए तो 10 दिन तक वो रेस्टरूम के बाहर नहीं आएंगे। अब इसे यूज करना ना करना वो तुम्हारे ऊपर है। अरे लेकिन वो मेडिसिन के बारे में तो बताओ। अरे चिंटू, मतलब उनके पेट में गुड़गुड़ और शरीर में हुड़ुड़ी मचाएगी। अरे वाह, तो चलो निकालो निकालो। इस मेडिसिन के लिए तुम्हें पार्टी देनी होगी। हाँ। पार्टी? मैं पार्टी कैसे दे सकता हूँ? अरे इट्स इम्पॉसिबल यार। अरे चिंटू चिंटू, तुम विवान और उसके पलटन से कितना भागोगे? सोचो, तुम जितना ज्यादा भागोगे उतना उतना ज्यादा तुम्हारा ये बुलडोजर जैसा शरीर है ना, स्कूटी जैसा बन जाएगा। ये बात तो सही है, और वैसे भी मैं दिन भर भाग भाग के पता नहीं कितनी कैलोरीज कम कर चुका हूँ। इससे बढ़िया होता था कि मैं मम्मी पापा से एक चमाटी खा लूं। ये हुई ना बात, अब तुम्हें तो बस अपनी मम्मी को मनाना है। एक बार मम्मी मान गई तो पापा को तो झक मार के मानना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात भी सही है। अरे किधर जा रहे हो? मम्मी पापा को मनाने और कहाँ। जा 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 जा। शाबाश शाबाश। देखो भैया, अगर चिंटू पार्टी देने को रेडी ही नहीं है तो विवान को मना कर क्या होगा? नहीं, अगर हम विवान का मूड ठीक कर देंगे तो वो चिंटू को अपने आप पार्टी देने के लिए मना लेगा। यू नो हिम ना, अब तो बस हमें विवान को मनाना है। मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना है, ओके? वो देखो पूरा विवान। खुशी दीदी, रिंकू आप भी इतने अपसेट क्यों हैं? चिंटू बट हार के भी जीत गया, सो व्हाट, आई एम ओके। अगर मेरी वेलकम पार्टी कैंसिल हो गई, सो व्हाट, आई एम ओके। अगर चिंटू माई पलटन से जीत गया, सो व्हाट, आई एम ओके। देवू भैया, आप पूछना भी मत। तुम तीनों के चेहरे एकदम फूल की तरह मुरझाए हुए हैं, बट आई एम ओके। अगर मेरी पलटन ओके है, मेरी प्यारी देवू भैया ओके है, So I think, मुझे भी ओके हो जाना चाहिए। क्यों? Yes!
विवान, मैं अपनी हार एक्सेप्ट करता हूं, इसलिए आज मेरे घर पे पार्टी होगी, तो आना जरूर। और हाँ, तुम सब भी अपने घर वालों को लेकर आना। चलो तो फिर मिलते हैं, बाय। ये चिंटू कौन सी गुगली डालकर चला गया? देबू भैया, अगर चिंटू अपनी बैट हार के पार्टी नहीं देगा तो उसकी बहुत इंसल्ट होगी ना क्लास में, इसलिए खुद ही रेडी हो गया है। आई थिंक यू आर राइट। चल रिंकू, पार्टी की तैयारी करते हैं। चलो। आई एम प्राउड ऑफ यू। किसी और की खुशी के लिए खुद के दुख को भूल जाना, वेरी गुड। थैंक यू। मैं आता हूँ। आई रियली होप कि पार्टी में तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें जल्द से जल्द सर्वकाल की शक्तियों को हासिल करना है। सो चीयर अप विवान। अब तो सब कुछ पता चल चुका है कि विवान ही छुपी शक्ति है, तो फिर वो मेरी पूरी ऊर्जा को प्राप्त करने यहां क्यों नहीं आ रहा है? लगता है अब अंतिम प्रक्रिया शुरू हो रही है। मुझे तुरंत शौर्य को बताना होगा कि अगले 3 पहर के अंदर अगर विवान यहां नहीं आया तो पूरा खेल बिगड़ सकता है। स्माइल विवान, स्माइल। विवान? अरे ये क्या, तूने इतनी नॉर्मल सी टी शर्ट क्यों पहनी हुई है? ऐसे जाएगा क्या पार्टी में? ये देख, मैं तेरे लिए ये लेकर आई हूँ, इसे पहन इसके ऊपर। लेकिन मम्मी ये... अरे अरे बोलो नहीं, सुनो, देखो अब लग रहा ना मेरा बेटा बिल्कुल सलमान भाई के जैसा। क्या हुआ, तू इतना सैड क्यों है? तुझे पसंद नहीं आई तो चेंज करूं? नहीं मम्मी, ये शर्ट तो बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल आपके प्यार के जैसी। आई लव दिस शर्ट, थैंक यू। अरे विवान बेटा, वाह, कपड़े तो तुमने सलमान भाई की तरह पहन लिए, बैठो। लेकिन हेयर स्टाइल भी तो तुम्हें सलमान भाई की तरह करनी होगी ना। तुम्हें राधे बनना है, चुलबुल पांडे बनना है, या फिर प्रेम, बोलो। जो बनना है तुम बन लो। ये लो, तुम्हारे लिए नई जेल लेके आया हूं। थैंक यू। थैंक यू भगवान। वाह वाह, थैंक यू दीदी। अरे चलो चलो, खुशी करो ना, तुम दोनों तैयार हो जाओ, पार्टी में जाने को देर हो रही है। अरे हाँ, हमें तो रेडी होना है खुशी। विवान, तू भी जल्दी से नए शूज पहन ले। हाँ चल खुशी, हम लोग रेडी होते हैं। देखो विवान बेटा, मैं तो पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, फिर भी तुम लोग मजे करना है, ठीक है? चलो। विवान, ये फैमिली तुम्हें बहुत प्यार करती है, तो अपने लिए ना सही पर इनके लिए एक स्माइल कर दो। चिंटू, अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? फेल हो गए और फेल होकर भी कोई पार्टी देता है भला? और एक तो तुम्हें मेरे दोस्त का जासूसी चश्मा चुराने की सजा नहीं मिली, और ऊपर से तुमने एक गलती और कर दी, कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी यहाँ, समझे? तूने पार्टी कैसे नहीं होगी? हम लोग मेहमानों को बुला चुके हैं, वो आते ही होंगे, और अभी अगर हमने पार्टी कैंसिल करी तो नाक नहीं कट जाएगी हमारी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नाक नहीं कट सकती। मुन्ना मिश्रा की जेब भले कट जाए पर नाक नहीं कटने दूंगा मैं, और तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा।
पहले मेहमानों से निपटते हैं। ए जय श्री कृष्ण मिश्रा जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अंदर आइए। अरे तू क्यों खड़ा है, उधर किनारे जा। आइए आइए, बैठिए बैठिए, आप लोगों का मिश्रा की हवेली में स्वागत है। अंकल, ये मिश्रा अंकल हॉल को हवेली क्यों बोल रहे हैं? ये अंकल ऐसे ही है रिंकू, बड़ी बड़ी छोड़ना इनकी पुरानी आदत है, तू पकड़ते रहे। वैसे कामिनी जी, ये पार्टी किस खुशी में रखी है आपने? पार्टी तो हमने हमारे होनहार बेटे चिंटू के लिए दी है। ये चिंटू होनहार कब से हो गया है? वो तो क्लास टेस्ट में 0 नंबर से फेल हुआ है ना? अरे दिवाली जी, फेल होना भी एक टैलेंट है। अरे फेल होने में बताइए क्या बुराई है, और पार्टी देने से बच्चे का हौसला बढ़ जाता है। वैसे ये मेरी लाइफ की ऐसी पहली पार्टी है जहां मैं मेरा खुद का टिफिन साथ में लेकर आई हूँ। अरे डॉक्टर शालिनी, आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि ऐसे बारिश के मौसम में छोटे छोटे बच्चों को बाहर खाने से बीमारी हो सकती है, इसीलिए बस। विवान और उसकी मम्मी का है। अच्छा लाओ वो मेडिसिन मुझे दे दो, ताकि मैं विवान और उसकी पलटन की झूठा मिक्स कर सकूं। लाओ लाओ। सही मोमेंट का वेट करो चिंटू, जाओ अपने मेहमानों का स्वागत करो। तुम तैयार हो ना मेहमान? हाँ, यहाँ सब तैयारी हो चुकी है तिमनासा। अब जैसे ही विवान के पैर उस मिट्टी के ऊपर पड़ेंगे, सर्वकाल की तरह वो भी मेरा गुलाम बन जाएगा।